मंत्री जी का सहर स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने हर परिस्थिति में हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है और आज भी विशेष रूप से टोक्यो ओलंपिक में जा रहे हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने उनका मार्गदर्शन करने और आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं देश के 22 राज्यों से 18 खेलों के 126 एथलीट्स टोक्यो ओलंपिक्स में 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे आशीष जी नमस्कार आपके पिता राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी थे और आपके परिवार में कई खिलाड़ी रहे हैं आपने बॉक्सिंग क्यों चुनी बॉक्सिंग जब मैं छोटा था तो सर हमारे घर पे माहौल खेल का था तो मेरे फादर बहुत अच्छे चीज़। आ, चीज़। ले रहे थे अपने टाइम में तो वो चाहते थे कि मेरा बेटा भी बॉक्सिंग खेले तो मेरे पास टाइम कबड्डी के कोर्स नहीं किया गया लेकिन मेरे परिवार में मेरे भाई रेसलिंग खेलते थे और बॉक्सिंग खेलते थे तो काफ़ी अच्छे लेवल तक खेले तो मुझे भी इन दोनों में से किसी एक को पसंद करने के लिए कहा गया मैं पतला था और ज़्यादा ज़्यादा कठिला नहीं था तो उस वजह से मैंने मैंने सोचा कि रेसलिंग तो नहीं कर पाऊंगा तो इसलिए मुझे शायद बॉक्सिंग ही करनी चाहिए तो वैसे वैसे सर जब झुकाव हुआ बॉक्सिंग की तरफ ही आशीष जी आपने कोविड से भी लड़ाई लड़ी है एक खिलाड़ी के तौर पर आपके लिए कितना कठिन रहा आपका खेल आपकी फिटनेस प्रभावित ना हो इसके लिए आपने क्या किया और मैं जानता हूं आपने इस क्रुशियल टाइम में अपने पिताजी को भी खो दिया ऐसे समय भी आपने इस जो मिशन को निकले थे उसमें जरा भी इधर उधर होने नहीं दिया तो मैं जरूर आपके मन के भाव जानना चाहूंगा सर 25 दिन पहले कंपटीशन के 25 दिन पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी जिस वजह से मैं काफी सदमे था सदमे में था की uh, मैं इमोशनली भी बहुत हर्ट uh, हो चुका था काफी प्रॉब्लम जो है मुझे उस टाइम फेस करनी पड़ी तो उस टाइम मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो फैमिली सपोर्ट की थी और मुझे मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया मेरे भाई मेरी बहन और uh, मेरे परिवार के सभी जनों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे और uh, uh, मेरे दोस्तों ने भी काफी मुझे uh, uh, बार बार मोटिवेट किया कि uh, मुझे मेरे फादर का सपना पूरा करना चाहिए जो uh, जिस सपने की शुरुआत में बॉक्सिंग की शुरुआत में जो उन्होंने सपना देखा था मेरे लिए तो सर सारा काम छोड़ के उन्होंने मुझे फिर से कैंप ज्वाइन करने के लिए कहा कि आप जाओ और जो फादर का आपका सपना है उसे पूरा कीजिए तो सर जब मैं स्पेन में था जब तो मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था तो उस टाइम मुझे सिम्टम थे सर तो कुछ दिन मुझे सिम्टम रहे वहाँ पे लेकिन सर वहाँ पे फैसिलिटी थोड़ी मेरे लिए स्पेशल करवाई गई और जो हमारे टीम डॉक्टर थे करण डॉक्टर करण जो उन्होंने उनके साथ रेगुलरली कॉन्टेक्ट में था मैं और और आपके साथ भी कांटेक्ट तो प्रैक्टिस के लिए मेरे वहाँ पे स्पेशल जो है स्पेस जो है एक अवेलेबल करवाया गया था सर जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था थोड़ी फिटनेस करता था लेकिन फिर भी सर काफ़ी टाइम लग गया रिकवरी के लिए कोरोना से तो आ, रिकवरी के लिए काफ़ी टका फिर जब मैं वापस इंडिया आया सर तो फिर जब मैं कैम्प में रिटर्न हुआ तो वहां पे मेरे कोचिज और स्पोर्टिंग स्टाफ ने बहुत मेरी हेल्प की धर्मेंद्र सिंह यादव मेरे कोच है उन्होंने मुझे बहुत, बहुत बहुत हेल्प हेल्प की उन्होंने रिकवरी के लिए और मेरी गेम में फिर से मेरे रिदम में मेरे को फिर से वापस लाने के लिए आशीष जी आपके परिवार जनों को भी मैं प्रणाम करता हूं और आशीष जी आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर जी एक बड़ी महत्वपूर्ण खेल खेल रहे थे और उसी समय उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था लेकिन उन्होंने खेल को प्राथमिकता दी और खेल के माध्यम से अपने पिता को श्रद्धांजलि दी आपने भी वैसी कमाल की है आपने आज अपने पिताजी को खोने के बावजूद भी देश के लिए खेल के लिए पूरा मन वचन एक प्रकार से जुट गए हैं आप सचमुच में आपका उदाहरण बड़ा प्रेरक है आप एक खिलाड़ी के तौर पर हर बार विजेता साबित हुए हैं इसके साथ ही एक व्यक्ति के तौर पर आपने शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियां दोनों पर विजय प्राप्त की है आपसे पूरे देश को बहुत उम्मीद है हमें विश्वास है कि ओलंपिक के प्लेटफॉर्म पर भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं आपके परिवारजन को भी मेरा प्रणाम है इस समय हम जा पहुँचे हैं आशीष चौधरी के घर पर जिन्हें ओलंपिक में भारत का नेतृत्व करने का मौका मिला है ये 75 किलोग्राम कैटेगरी में बॉक्सिंग में भारत का नेतृत्व करेंगे यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचते हैं तो एक पोस्टर लगा हुआ है मैं चाहूंगी कि कैमरा मैन वो ये दर्शाता है कि यहाँ के लोग कितने खुश हैं आशीष चौधरी के ओलंपिक्स में पहुंचने के कारण पूरा ये अगर देखें तो दूर तक आपको मकान नजर आएंगे ये पूरा का पूरे घर जो हैं ये आशीष चौधरी के घर वालों के हैं उनके रिश्तेदारों के हैं यानी एक पूरी फैमिली है जहां पर लगभग हर बच्चा चाहे वो छोटा सा दो साल का बच्चा हो या जो है साठ साल से ऊपर के लोग हों वो सब खेलों में रुचि रखते हैं खेलते हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने मुकाम भी हासिल किया है हम धीरे धीरे आपकी मुलाकात करवाएंगे उनके परिवार से आशीष जी के परिवार से सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी माताजी से जो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ दुर्गा देवी जी हैं जो आशीष की माता जी हैं उनसे जानते हैं कि आशीष जी का जीवन कैसा बीता किस तरह की तैयारी थी कब से उन्होंने खेलना शुरू किया कि उनकी जो मेहनत है आज रंग लेकर आई है दुर्गा जी आप बताइए कि कब से शुरू किया आशीष ने खेलना आशीष ने पंद्रह साल की उम्र में खेलना शुरू कर दिया सुबह पाँच बजे चला जाता था प्रैक्टिस करने ग्राउंड में और सुबह नौ बजे आ जाता था फिर शाम को फिर उसके बाद उसने स्कूल जाना फिर स्कूल के बाद फिर चार बजे फिर चले जाना प्रैक्टिस करने और शाम को आठ बजे घर आता था, था और हमें यह बताया कि उनके पिताजी चाहते थे कि वे खेलें और इसकी वजह से जो है काफ़ी उनको मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा तो वो क्या मुश्किलें थी वो क्या जो जिनको पार करके आशीष जी आज जो है टोक्यो ओलंपिक्स में पहुंचे हैं हाँ उनके पिताजी चाहते थे कि ये ओलंपिक खेले वो हमेशा ये बोलते थे ये ओलम्पिक खेलेगा मुश्किलें बहुत आई आती थी घर में पर तब भी वो आगे चलता बढ़ता गया बढ़ता गया और खेलता गया तो ऐसा कुछ घटना बताइए कि आमतौर पे जो परिवार है वो नहीं चाहता है कि बच्चे खेल लें वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें तो ये आपको कभी ऐसा लगा कि ये खेल रहा है सारा दिन खेलता है पढ़ता नहीं है ऐसा कुछ लगा आपको नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लगा बस उसका रुझान खेलने की तरफ था वो बोलता था मैंने खेलना बस बॉक्सिंग ही खेलनी मैंने हमने तो भी ऐसा ही कर दिया अभी तू खेलने का ही काम कर अब और कुछ नहीं आशीष की ताई जी हैं हमारे साथ जानना चाहेंगे कि आपकी कोई बात कोई ऐसी घटना जो आपको इस समय आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लड़का था वो बात मानता था जैसे भी बोलते थे वैसे भी सीधा साधा लड़का था आ, आप अपना परिचय दीजिए फिर हमें बताइए आशीष के बारे में मैं शिव की मम्मा हूँ वो खेलता है वो भी बॉक्सिंग खेलता था पहले वो खेलता था उसके बाद सारे बच्चे उस तरफ हो गए वह सब बॉक्सिंग में लगे हैं उसके बच्चे भी उसके भतीजे भी उसके सब ऐसे लगे हैं खेलने में हाँ अच्छे है हमारे परिवार के बच्चे भी अच्छे हैं और बड़े भी अच्छे हैं ठीक चला है हमारा परिवार अच्छे बच्चे हैं हमारे पूरे बच्चे ऐसा खेलना चाहते हैं जी, खेलते हैं खेलते है। की है, हैं आशीष हमारे साथ हैं आप को लगता नहीं कि सारे बच्चे खेलते हैं पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती कभी ऐसा नहीं लगा कि बच्चे पढ़े खेले नहीं इसमें ऐसा है जी हमारा फर्स्ट होता है कि लड़का खेले क्योंकि हम गांव के हैं गांव में दूध घी मिल जाता है इसलिए हमारे बच्चे फिर खेलने में अच्छे थे जो ये बच्चे निकले इनके चाचा ताया सब प्लेयर हमारा पूरा परिवार जो है वो स्पोर्ट्स में ही है जी। और इससे पहले जो इस आशीष के चाचा ताय थे वो नेशनल तक खेले नेशनल में पोजिशन भी आई इंडिया कैम्प भी प्रजेंट किए लेकिन जो अग बच्चों का रुझान आगे जो हुआ फिर हम हमने उनको मोटिवेट किया बेटा हम नेशनल तक खेले हैं दो पोजिशन आई कैंप में रहें लेकिन मजा तब है अगर आप कॉमन वेल्थ खेलेंट खेलें या लास्ट में मतलब अगर ओलम्पिक खेले तो हम समझें कि हमारा सपना पूरा हो गया हु. कह तो... रहे हैं सपना पूरा हो गया हाँ जी और सपना पूरा हो गया जी आशीष जी के खेल आशीष के खेलने से और आगे जो बच्चे छोटे भी खेल रहे हाँ हैं वो भी उसकी तरफ आप ज्यादा रुझान करेंगे वो भी ज़्यादा मेहनत करेंगे आप कुछ बताना चाहेंगी आशीष के बारे में ठीक है वो खेल रहा है पढ़ाई की तरफ भी है और खेलने की तरफ भी है दोनों ही चीजें हैं उसकी हा हा। हम भी चाहते हैं कि वो ओलंपिक में कोई ना कोई मेडल लेके आए हम जो है जॉनी चौधरी जी से बात करेंगे ये खुद रेसलर हैं और नेशनल और इंटरनेशनल खेल चुके हैं परशुराम अवार्ड इन्हें मिला है एक और खिलाड़ी इसी परिवार का जिसने प्रदेश का नाम जो है वो राष्ट्रीय तौर पर रोशन किया है आप बता रहे थे कल हमारी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बहुत सारी बातें बताई पहली बात कि आपको कैसा लग रहा है आपके परिवार से आशीष जो है वो खेलने गए हैं दूसरी बात क्या समस्या आई जैसे आप भी रेसलर हैं आपने अपनी पूरी रेसलिंग जो है वो दिल्ली से सीखी है तो क्या समस्या आती है और किस तरह से परिवार का सपोर्ट रहता है पहले तो मैं बहुत हमारे घर में बहुत खुशी की बात है कि हमारा छोटा भाई आशीष जो है ओलंपिक खेलने जा रहा है और ये बहुत मान की बात होती है कि एक अपने देश को रिप्रेजेंट करना और ओलंपिक में जाना मुश्किलें बहुत आई आशीष को जब आशीष छोटा था तो इतना हेल्दी नहीं था तो था भी हमारे सबसे छोटा तो हम उसको यही कोशिश करते थे कि भाई कैसे ना कैसे पहले तो इसका मतलब वज़न बढ़े और ये कुछ करने के लायक हो जाए फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने बड़े, बड़े भाइयों को देखा और घर में जो है पहले से बॉक्सर थे तीन तीन चार भाई हमारे बॉक्सर थे पहले से और उनसे बड़े भाई थे वो इंटरनेशनल थे नेशनल के मेडलिस्ट थे गोल्ड था उनका उसके बाद छोटे का उनके उन, उनसे छोटे थे उनके सबके मेडल थे सब इंटरनेशनल थे तो उसने देखा कि भाई मुझे भी कुछ करना चाहिए बड़े भाइयों की तरह तो हमेशा एक एक ही बात बोलता था कि मुझे भी आप जैसा कुछ करना है तो फिर जब थोड़े बड़े हुए ग्यारह बारह साल का हुआ तो उसको दोबारा से लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए फिर घर हमारे जो चाचा जी थे भगत डोगरा जी उनकी बड़ी सोच थी कि वो हमारे परिवार के किसी भी बच्चे को जो स्पोर्ट्स करता उसको बहुत सपोर्ट करते थे जी। हमेशा दिन रात उनके साथ खड़े रहते थे वो वो हमेशा एक ही बात बोलते कि जब तुम बड़े कुछ कर पाओगे तो वही छोटे कुछ कर पाएंगे अगर बड़े ने कुछ नहीं किया तो छोटा भी उसी राह पे चलेगा मुश्किलें बड़ी आई आशीष को खासकर कर आशीष को फाइनेंशली बड़ी प्रॉब्लम रही घर में और एक प्लेयर तैयार करना होता है तो कम से कम आज की डेट में हमें पचास से साठ हज़ार रुपया महीना चाहिए होता है तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे फिर भी चलो कहीं ना कहीं स्पोर्ट से अंकल जी के मतलब आदेश से उनके मतलब कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करके देना पहुँचाना उस तक बड़ा कष्ट काटा उन्होंने पर आज उस आशीष ने उस चीज़ को जो है बड़ा आसान बना दिया है आने वाले लड़कों के लिए कि भी नहीं अब तुम भी कर सकते हो अगर मैं ओलंपिक खेल सकता हूँ तुम भी खेल सकते हो अब रही ओलंपिक की बात अब ओलंपिक में मेडल आता है तो भी बहुत पर हमारे लिए यही बहुत बड़ी गर्व की बात है कि प्रदेश हिमाचल से एक लौता प्लेयर जो है ओलंपिक खेलने के लिए जा रहा है क्योंकि आप रेस्लर हैं आपके घर में सारे बॉक्सिंग में हैं तो रेस्लर को जो है वो खुराक की बहुत जरूरत होती है और उसी वजह से आपके घर में हम देखें तो खूब सारी गायें और भैंसें जो भैंसें तो आमतौर पे हिमाचल में बहुत कम नजर आती हैं लेकिन आपके घर में नजर आती है तो क्या वो घटना थी हम जानना चाहेंगे मैम ऐसा है कि प्लेयर बनाने के लिए डाइट बहुत जरूरी है और रही बात मेरे पिताजी जो है रेस्लर थे पहले तो उनको लगा कि सारे भाई जो है बॉक्सिंग की तरफ है मैं हेल्दी था बचपन से जब मैं पैदा हुआ तो हेल्दी था उनको लगा कि मैंने अपने बेटे को रेस्लर बनाना है हाँ। तो उसके लिए उन्होंने सोचा प्लान पहले कर रखा था कि मैंने आ, चार पाँच भैंसें दो तीन गाय पाल के उसको डाइट पहुँचानी है तो आप जब मैं डेली में प्रैक्टिस करता तो यहाँ से पंद्रह किलो घी हर, हर महीने यहाँ से जाता था मेरे लिए तो मतलब उन्होंने बड़ा ख्याल रखा मेरा और माहौल बनाना पड़ता है पहले किसी को प्लेयर बनाना है तो माहौल बनाया गया या। और ये मेरे लिए बड़ा टफ था कि मेरे सारे भाई जो हैं बॉक्सिंग की तरफ थे मैं सिर्फ रेसलिंग की तरफ था अब उनके लिए तो पार्टनर आपको मिल जाता था प्रैक्टिस करने के लिए मुझे किसी और को ढूंढना पड़ता था कहीं और जाके चाहे मैं किसी की कहीं और अखाड़ों में जाता था या फिर कहीं हॉस्टल में रहना पड़ता था मैं अकेला जाता था उनके तो पार्टनर होते थे अपने पास बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने के लिए तो बड़ी मुश्किलें आती हैं पर पिताजी का आशीर्वाद हमेशा रहा है बड़े भाइयों का बहुत सपोर्ट रहा है चाचेताओं का बहुत सपोर्ट रहा है तो एक माहौल बना दिया गया था कि तुम रेसलिंग करने क्योंकि तू हेल्दी है ये जो है बहुत सारे और बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं किस तरह की ये प्रैक्टिस करवाते हैं जहाँ जहाँ ये पोस्ट रहते हैं ये भी हम करेंगे लेकिन हम और लोगों से बात करते हैं आ, और उसके बाद इनके पिताजी से जरूर बात करेंगे क्योंकि इनका नाम जो है वो आ, ए, एक ऐसे प्लेयर पे रखा गया है जिसका इंटरनेशनली बहुत नाम है जॉनी आमतौर पे भारतीय नाम नहीं है तो उस उस नाम की कहानी भी सुनेंगे और इन्होंने अपने बच्चों के नाम भी इंटरनेशनल प्लेयर्स पे रखे हुए हैं आपसे जानना चाहेंगे पहले क्या खेलते थे और किस से आपने जो है बच्चों को तैयार किया हमारे परिवार में सिक्सटी के दशक से ही स्पोर्ट्स का आगमन हुआ हमारे जो बड़े भाई थे उन्होंने भी उसमें एंट्री की और उससे लेकर आज तक हम लोग काफी नीचे लेवल पर रहे कोई डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचे कोई स्टेट तक पहुँचे कोई नेशनल तक पहुँचे उसके बाद जो कमी रही थी हमारे में वो हमारे बच्चों ने पूरी की और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने एजुकेशन भी ली ऐसा नहीं कि वो एक साइड ही रहा समय पे उन्होंने समय के हिसाब से उन्होंने एजुकेशन भी ली और अपनी प्रैक्टिस भी की और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि जो कि लास्ट एंड है और मैं पूरी उम्मीद है इस बार कि आशीष हमारा हमारे लिए अपने देश के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट लेके आएगा जिसकी हमें पूरी उम्मीद है बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भारत का मेडल जरूर आएगा और उसे आशीष चौधरी लेकर आएंगे और हिमाचल का नाम जो है एक बार फिर खेल में रोशन होगा अभी जो है वो आशीष के भाई हैं। क्या खेलते हैं और क्या आशीष के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आशीष जब छोटा सा नाइन्थ क्लास में पढ़ता था तो उसने बॉक्सिंग को शुरू किया हाँ तो शुरू में तो होता ही है थोड़ा परंतु उसने बहुत जल्दी जल्दी वो चीज़ें पार कर ली और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं जो इंटर यूनिवर्सिटी लेवल का टूर्नामेंट होता है उसमें उसकी पोजीशन आई है फर्स्ट और जैसे नेशनल में नेशनल गेम हुई केरला में तो उसमें भी फर्स्ट पोजीशन है और जो एशियन चैम्पियनशिप हुई उसमें भी उसका सिल्वर मेडल है तो बहुत जल्दी उसने गेन किया है मेहनत तो बहुत ज़्यादा की है उसने ऐसा नहीं है कि भैया जल्दी गेन किया इसका मतलब ये ने मेहनत बहुत ज़्यादा की है तो इस करके अब ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुआ देखते हैं वो नेक्स्ट क्या करते हैं हमें तो पूरी होप है कि मेडल लेके आएगा जिस हिसाब से वो फिट है तो मेडल की होप है देखते हैं क्या आप क्या खेलते हैं मैं बॉक्सिंग खेलता था नाइन्टी में खेलना शुरू किया मैंने और ऑल इंडिया दो बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला हुआ एक बार ऑल इंडिया में गोल्ड है मेरा और उसके बाद आजकल मैं फिजिकल टीचर हूँ भी जो है वो कजन है आशीष के कुछ बात करना चाहेंगे बता कुछ कैसा लग रहा है और उसके बारे में अगर कुछ बात कर सके तो हमें बहुत खुशी है कि ये जी आशीष ओलम्पिक खेल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो ओलम्पिक से मेडल लेके आएगा आप खुद कैसे मैं मैं खुद बॉक्सिंग खेला हूँ मैं ऑल इंडिया में दो बार मेडलिस्ट हूँ जूनियर नेशनल मेडलिस्ट हूँ तो हमने देखा पूरा परिवार जो है वो मेडल्स हमने इनके घर में भी देखा बहुत सारे मेडल लटके हुए हैं जो है जॉनी जी बता रहे थे कि एक टाइम ऐसा भी था जब आशीष बहुत न, न, निराश हुए तो वो हम किस्सा जानना चाहेंगे और किस तरह से उन्होंने एक बार फिर जब उन्होंने केरल में चैम्पियनशिप जीती तो एक बार फिर आशा की किरण जागी और वो पूरे उत्साहित होकर खेल में जुट गए आ, बात ऐसी मैम कि हमारे घर में जो थे सभी के मेडल आते थे शुरू में ऐसा हुआ कि आशीष थोड़ा समझ नहीं पाया गेम को और थोड़ा समय ले रहा था मेडल लेने के लिए जब हम टूर्नामेंट खेलने जाते थे तो तो आ, हमें दो तीन टूर्नामेंटों में ऐसा हुआ कि आशीष दूसरी फाइट या तीसरी फाइट हार जाता था तो बड़ा निराश होता मेहनत तो पूरी करता था पर वो सोता है कि किस्मत में उस टाइम साथ नहीं दिया उसका तो वो कई बार ऐसा कहता था कि भाई मैं अब जो है भाई इतना नहीं खेल पाऊँगा मुझे लगता है जैसे आप लोग खेले हैं तो हम लोग यही बोलते थे कि तेरे पास ऑप्शन ये नहीं है कि तूने नहीं खेलना है तेरे पास यही ऑप्शन है कि तू खेलना है क्योंकि हम बैठे हैं तो जो तूने जहाँ तक तूने जो खर्चा करा तो कर अंकल जी हैं अंकल जी उसका बड़ा सपोर्ट उसके पिताजी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे हर एक बात पे हम हर एक शाम को उससे एक घंटा आधा घंटा उससे समझाते थे कि खेल ही हमारा जीवन है इससे आगे हमारे पास को, कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं खेल जब हम शुरू करते हैं चार घंटे सुबह चार घंटे शाम प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो पढ़ाई की भी इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और आजकल हर एक फील्ड में अपना अपना कॉम्पिटिशन होता है तो ये तो था नहीं कि हम पढ़ाई में जाके कहीं कहीं टेस्ट क्लियर ले कर लेंगे या कहीं जाके चले जाएंगे या कहीं जॉब प्राप्त कर लेंगे तो मुद्दा ये था कि हमें ऑप्शन एक ये कि हमें खेलना है तो सुबह शाम हमें की बात बोलते थे कि, कि, कि ट्राई करता रहे कभी ना कभी मिलेगी फिर एकदम जब आप देख सकते हैं कि, कि कभी नेशनल में मेडल नहीं आया था तो उसी सीधा नेशनल गेम्स में गोल्ड आ गया तो गोल्ड आने के बाद फिर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर उसको ये लग गया कि मैं नहीं मैं कर सकता हूँ जिसको उसने हराया था वो पिछली बार का नेशनल का चैंपियन था और जिस कंपटीशन में आशीष दूसरी फाइट हार गया था उस कंपटीशन का वो चैंपियन था पर एक साल में आशीष ने उसको हरा दिया फाइनल में हाँ। और नेशनल गेम्स के चैंपियन बने उसके बाद जब जब वही वही किस्सा उसके आती इंटरनेशनल लेवल पर हुआ शुरू के पाँच छः कॉम्पिटिशन में जब वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन खेलने गया तो कोई मेडल नहीं आया तब उस दौरान भी उसका जो था मनोबल थोड़ा गिरने लगा कि भाई मैं कितनी बार इंटरनेशनल खेलने जाऊं और मेरे साथ के जो प्लेयर जाते हैं वो इंटरनेशनल मेडल लेके आते हैं मैं नहीं कर पा रहा हूं कुछ फिर उसके जो है जो है हमने कोचिज से बात की उन्होंने एक एक घंटा उसके साथ बात करनी सुबह शाम फिर उससे उसका बड़ा बूस्ट मिला फिर एकदम आप समझ सकते हैं कि एशिया में सिल्वर मेडल लेके आ गया कहाँ जो एक नॉर्मल कप होते हैं इंटरनेशनल उसमें मेडल नहीं आ रहे थे सीधा एशिया मेडल जब उसका आ गया फिर उसको लगा कि नहीं मैं तो अब इंटरनेशनल लेवल पे भी उस तरीके से कर पाऊंगा फिर जब हमारा ओलंपिक क्वालिफाई का टूर्नामेंट आने लगा नज़दीक तो चाचा जी हमारे गुजर गए फिर बड़ी दिक्कतें आई घर में मुद्दा ये था कि तेरह दिन तक तो, तो कोई प्लेयर कहीं जा नहीं पाता है तो फिर वो उसका कंपटीशन जैसे मान लीजिए कि चाचा जी की डेथ आज तो पाँच दिन के बाद था तो थोड़ा हाँ वो लग गया कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए फिर मैं हमने फिर समझाया कि बड़े भाई हैं हमारे ताया जी हैं चाचा जी वो बैठ जाएंगे पूजा के लिए तुझे जाना चाहिए और वो भगवान का इतना आशीर्वाद रहा कि बात बन गई और वो जो है ओलंपिक क्वालिफाई कर लिया उन्होंने तो उतार चढ़ाव स्पोर्ट्समैन देखिए एक इस तरह का होता है कि उतार उतार चढ़ा तो चले रहते हैं उसमें पर आशीष के जीवन में ना मैं बताऊं आपको बहुत बार ऐसा हुआ कि हमें ऐसा लगा कि ये नहीं हो पाएगा वहाँ पर वो इतना कर जाता है कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं अब जो ओलंपिक क्वालिफाई की बात थी तो जिस परफॉर्मेंस उसकी पहले की चली हुई थी उस परफॉर्मेंस को देख के हमें बड़ा एक जब उसने प्री क्वार्टर फाइनल की जो बाउट क्लियर की थी जब क्वार्टर फाइनल की बॉट जब उसने क्लियर किया ओलंपिक क्वालिफाई हो गया तो हमें लगा कि नहीं इसका स्तर जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी उस लेवल पे पहुंच चुका है तो वह उसकी कड़ी मेहनत है आप समझ सकते हैं कि एक साल पहले उसका रिजल्ट कुछ और होते हैं एक साल के बाद कुछ और होते हैं और अब की बार जो है जैसे हम चीफ कोचिज से बात करते हैं हिमाचल प्रदेश बॉक्सिंग फेडरेशन के जो भंडारी जी उनसे हम बात करते हैं वो कैंप में जुड़े रहते हैं साथ उसके तो उन्होंने यही बताया कि ये लड़का जो है गोल्ड भी ला सकता है ये मुद्दा नहीं कि हम मेडल की तो हम बात करते ही करते हैं साथ में है कि इसका इसमें इतना पोटेंशियल है कि, कि गोल्ड भी ला सकता है तो अब देखते हैं कितना क्या होता है अभी बिल्कुल हम बिल्कुल चाहेंगे और प्रार्थना करेंगे भगवान से कि इस बार आशीष गोल्ड लेकर आए इनके कजन जो है बीच में बैठे हुए हैं आप अपना नाम बताइए मेरा नाम सूरज है आशीष चौधरी मेरे चाचू लगते हैं मैं चाचू से बहुत इंस्पायर होता हूँ मतलब मेरे जितने भी घर में बड़े हैं वो काफी मोटिवेट करते हैं हम लोगों को को छोटों कि आप लोग अब कुछ करो जिंदगी में बाकी घरों में ऐसा होता है कि आप आप लोग पढ़ो आगे बड़ो। हमारे उल्टा होता है भाई खेल में निकलो आगे तो बस उसी से हम मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ते हैं रूनी अभी से चाहते हैं कि ये रेस्लर बने या फिर लॉन टेनिस खेले क्या बनना चाहेंगे लॉन टेनिस या रेस्लर एक चुनना पड़ेगा रेस्लर रेस्लर अच्छा तो क्या क्या तैयारी कर रहे हो आप पापा की तरह रेसलर बनना चाहते हो क्या तैयारी कर रहे हो मैं रेसलिंग की तरह तैयारी कर रहा हूँ हाँ. हाँ. तो पढ़ाई करते हो साथ में हाँ मैं करता हूँ पढ़ाई हुँ, हुँ. अच्छा एक और हम आपको सिर्फ क्योंकि वो बात नहीं करता है जॉर्डन उसकी तस्वीरें जरूर दिखाना चाहेंगे इस समय वो अपनी दादी के पास है तो उसकी तस्वीरें दिखाएंगे और बच्चा जो है अभी से नाम भी जॉर्डन रखा हुआ है मानते हैं कि ये परंपरा जो इनके परिवार की है खेलों में आगे बढ़ने की वे निभाएंगे जो जॉनी के फादर हैं जिन्होंने वो पंद्रह के जी घी पहुँचाया वहाँ पर हम जरूर बात करेंगे कैसे ये मोटिवेशन है एक रेसलर के लिए डाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है तो दूध घी गांव में दूध घी होता बाकी हमें कोई नॉलेज था कि प्रोटीन है कोई और चीज है इसका हम समझते थे कि दूध घी से ही पहलवान बनते हैं तो फिर हमने पंद्रह साल की उम्र में छोड़ा फिर से घी वगैरह पहुँचाते रहते थे बाकी जो फ्रूट वगैरह का खर्चा था वो देते थे पशु तो हमारे बचपन में हमारे पिताजी हमारे सुर से ही चार पांच पशु घर में भैंसे वगैरह होती थी एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि टेक्निक बहुत जरूरी होती है और ऐसे समय में आज से अगर हम बीस साल पुरानी बात सोचें तो, तो शायद किसी भी खिलाड़ी को ये नहीं मालूम था कि ये सारी जितनी गेम्स हैं इसमें टेक्निक बहुत जरूरी होती है लेकिन आपने अपने बेटे को दिल्ली भेजा टेक्निक सीखने के लिए अखाड़े में डेली प्रैक्टिस होती है वहाँ होते पचास साठ साठ सौ सौ बच्चे होते हैं यहाँ कौन होता है यहाँ कोई नहीं है यहाँ सबसे बड़ी बात है गाँव में तो कोई अफोर्ड भी नहीं करता इतनी डाइट नहीं खा सकता है गरीब होता है गाँव हमारे परिवार में ऐसा था कि हम पहले बच्चे को खेल के लिए ये करते थे हमारे पिताजी थे ना वो भी एक मतलब जब हमारी ये गाय भैंसी वगैरह होती तो इनाम जीतने के शौकीन थे इनाम जीते हैं अच्छे बैल पाल के या, या अच्छी भैंस पाल के इनाम होते थे ना हमारे मेलों में तो वो फर्स्ट आते थे और जो कुश्ती से कुश्ती वो लड़ाते थे जैसे रेफरी का काम करते वो उन्होंने दस पंद्रह साल बीस साल वो किया फिर उससे उ, उनके मन में भी ऐसा भी मैं भी एक लड़का को पहलवान बनाऊँ फिर उन्होंने मुझे कोशिश की पर हमें पूरी ओवर मिला ना जहाँ प्रैक्टिस नहीं हुई अखाड़ा नहीं था कुछ नहीं था फिर जब मैं दिल गया फिर मैंने देखा फिर मैंने बच्चे को भेजा फिर आज इसने ठीक अपने इंटरनेशनल भी बढ़ा नेशनल भी हिमाचल का पहला खिलाड़ी है जिसने रेसलिंग में गोल्ड मेडल लिया है बिल्कुल रेसलिंग में गोल्ड मेडल लेने वाले जो जॉनी चौधरी हैं वो पहले खिलाड़ी हैं हम जब इनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें हमें बताई कि क्या मुश्किलें आती हैं एक खिलाड़ी को आगे बढ़ने में वो सारी बातों पर हम बात करेंगे और ये खुद क्या कर रहे हैं क्या ताकि हिमाचल के बच्चे इंटरनेशनली खेलें नेशनली खेलें आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मुश्किल आती है जब एक शुरुआती तौर पर कोई बच्चा ये सोचता है या कोई परिवार ये सोचता है कि उनका बच्चा आ, जाकर खेले तो क्या मुश्किलें आती हैं और आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि ये मुश्किलें कम कर दी जाए मैम सबसे पहले दिक्कत तो ये आती है कि हम गेम का प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है सिर्फ लोग यहाँ नाम के नाम से जानते हैं कि यहाँ रेसलिंग है बॉक्सिंग है कुछ और है मेन मुद्दा यह है कि यहाँ पे पहले तो सेंटर नहीं है कहीं भी जो सेंटर हैं बेचारे किसी अपने आप किसी पर्सनल इंसान ने मतलब मान लीजिए कोई कोच है बेचारा कोई पुराना है उन्होंने सेंटर खोले हुए हैं यहाँ पे हिमाचल सरकार की तरफ से सिर्फ एक ही सेंटर है वो नाम है रेस्लिंग का वो सेंटर बच्चों के लिए है एट्थ से लेकर प्लस टू के बच्चों के तो मुद्दा ये था कि जब हमने गेम स्टार्ट की तो हमने सोलह साल की उम्र में गेम स्टार्ट की तो तब तो मैं प्लस वन में पढ़ता था तो ये था कि मुझे पार्टनर नहीं मिल पाते थे यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए रेसलिंग के ना इंटरनेशनल मैट था हमारे पास और जो थी सुविधा वो सिर्फ ये थी कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट यहाँ पे हम लोकल जो खेल पाते हैं जैसे दंगल होते हैं दंगल यहाँ पे हर एक गाँव में होते हैं हमें स्पोर्ट्स कोटे से जॉब मिली है तो हमें स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना चाहिए तो मैं पिछले चार साल से लगातार अकेडमी रेसलिंग की मैं चला रहा हूँ तो वहाँ पर हमारे पास इंटरनेशनल मैट है इंटरनेशनल ग्राउंड है अब तो हमारे पास जो सिंथेटिक ट्रैक भी हमें मिल गया हमीरपुर में तो ऐसे हमें कोशिश करनी पड़ रही खुद की हम एक सेंटर चला रहे हैं ताकि कि किसी नए बच्चे को गरीब बच्चे को दिक्कत ना आए बाहर जाने में यहाँ का बच्चा अगर बाहर प्रैक्टिस करने के लिए जाता है तो कम से कम 20 से पच्चीस हज़ार नए बच्चे के ऊपर खर्च होता है इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे घर वाले तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ़ हम वहाँ पे बच्चा खुद रहे हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करे गरीब का बच्चा चाहे किसी का भी बच्चा हो हमारे पास आए फ्री में रहे प्रैक्टिस करे बस प्रदेश में रेसलिंग में प्रदेश को आगे लेकर आए मुद्दा हमारा ये है कि जो धक्के हमने जब बाहर जाके खाए हमें कहीं किसी के कि पास हाथ जोड़ने पड़ते थे हमें ये चीज़ सिखाएं ये वो उनको नहीं करना पड़े मैं खुद इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और नेशनल में, में मेरे मेडल हैं मैं चार बार नेशनल कैंप में रहा हूँ हर एक चीज़ उस दौर से गुजरा जिस दौर से एक गरीब का बच्चा गुजरता है तो हम वही माहौल हम हमीरपुर में बना के दे रहे हैं कि रेसलिंग को कैसे न कैसे ऊपर लेके आए और मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि अनुराग ठाकुर देश के खेल मंत्री बन गए हैं कुछ फर्क पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में खेलों की अगर बात की जाए हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि जी अनुराग ठाकुर जी जो है खेल मंत्री बने हैं देश के ये बहुत ही बड़ी हमारे लिए प्लेटफॉर्म होगा और हमारा हमें लगता है कि आने वाला समय हिमाचल की ऑल ओवर गेमों के लिए बहुत अच्छा रहेगा पहले भी वो स्पोर्ट्स के लिए बहुत सपोर्टिव रहे हैं और उन्होंने हमेशा हिमाचल की स्पोर्ट्स को आगे लाने की कोशिश करी है और उनके साथ साथ उनकी जो टीम है राजेश भंडारी जी हैं सांडिल जी हैं ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्टेट में जैसे चाहे बॉक्सिंग हो क्रिकेट हो रेसलिंग हो किसी भी फील्ड को आप उठा के देख लें तो ये हमें बहुत बड़ा मौका मिला है अब आने वाला समय जो है हिमाचल की स्पोर्ट्स के लिए बहुत बेहतर होगा जो खेल है वो एक तपस्या है यानी सुबह से लेकर शाम तक उसमें जुटना पड़ता है और केवल एक दो साल की तपस्या नहीं है लगातार सालों की तपस्या है जिस वजह से आशीष चौधरी आज टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं हमें आशा है कि वे इस बार गोल्ड जरूर लेकर आएंगे लेकिन गोल्ड लेना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना खेल को खेल की भावना से जो है खेलना और देश का नाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करना कैमरामैन राकेश कुमार के साथ नंदिनी मित्तल डीडी न्यूज सुंदरनगर